सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में भरत कुंड के पास योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया गया है, जिसमें योगी को राम के अवतार के रूप में दिखाया गया है। मूर्ति के हाथ में धनुष और तीर भी थमाया गया है। यहाँ रोज सुबह शाम पूजा आरती भी होती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक शख्स का आभार व्यक्त करने का अनोखा तरीका, अयोध्या में बना सीएम योगी का मंदिर। मंदिर का नाम है श्री योगी मंदिर। योगी प्रचारक यूट्यूबर प्रभाकर मौर्य ने बनवाया ये मंदिर। मंदिर बनवाकर सीएम योगी का व्यक्त किया आभार। राम के रूप में लगाई सीएम की मूर्ति। मंदिर में सुबह शाम होती है आरती व पूजन। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इन दिनों बढ़ती जा रही है। सीएम योगी यूपी की जनता के दिलों में राज करने लगे हैं। जी हां, अयोध्या जिले में राम मंदिर तो अभी बन ही रहा है, पर उनके एक समर्थक ने जिले में उनका ही मंदिर बनवा दिया, जिसे अयोध्या से गोरखपुर जाने वाली सड़क पर स्थापित किया गया है। राम मंदिर के भव्य निर्माण के साक्षी पुरुष बन चुके सीएम योगी के समर्थक ने उनकी एक प्रतिमा मंदिर में स्थापित की है। ये प्रतिमा 5 फुट 4 इंच हाइट की है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ की हाइट के बराबर है। धनुष बाण के साथ सीएम योगी की प्रतिमा का पूजन किया जाता है और हर दिन आरती भी की जाती है, और इस मंदिर का नाम भी श्री योगी मंदिर रखा है। मौर्य का पूर्वा गांव के निवासी प्रभाकर मौर्य ने योगी आदित्यनाथ का ये मंदिर बनवाया है। भरत कुंड से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित मौर्य का पूर्वा गांव है। भरत कुंड वही जगह है जहां भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर भरत ने 14 वर्ष तक उनका इंतजार किया था। दरअसल धर्म नगरी अयोध्या श्रद्धा और समर्पण के लिए जानी जाती है। शायद यही वजह है कि भगवान श्री राम की नगरी में अपना आभार व्यक्त करने का तरीका भी अनोखा है। योगी प्रचारक प्रभाकर मौर्य ने बताया, उन्होंने संकल्प लिया था कि जो अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य मंदिर का निर्माण करवाएगा, उसका मंदिर वो अपने गांव में बनवाएंगे। और आज अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए अपने संकल्प को पूरा करते हुए सीएम योगी के नाम पर उन्होंने श्री योगी मंदिर का निर्माण कराया है और साथ ही उसके नाम पर भजन भी तैयार किया है, जिसे गाकर मंदिर में प्रतिदिन पूजा होती है, तो वहीं विधि विधान पूर्वक आरती भी की जाती है। दरअसल प्रभाकर एक यूट्यूबर है और योगी के समर्थन में 500 से ज्यादा गाना गा चुके हैं। मंदिर में स्थापित मूर्ति राजस्थान से विशेष औजा देकर बनवाई गई है। प्रभाकर मानते हैं कि सीएम योगी राम और कृष्ण के अवतार हैं, इसलिए वे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। प्रभाकर के लिए वे किसी भगवान से कम नहीं है। आपको बता दें कि प्रभाकर योगी के कट्टर समर्थक हैं। कई बार योगी आदित्यनाथ ने इनको सम्मानित भी किया है। प्रभाकर मौर्य ने श्री योगी मंदिर के निर्माण की लागत लगभग 5 लाख रुपए बताई है। ये पैसे प्रभाकर मौर्य ने अपने यूट्यूब चैनल से कमाए हैं। इस चैनल पर प्रभाकर मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में कई गाने भी गाए हैं। गौरतलब है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया था कि अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद थी, उस भूमि में राम मंदिर था, और इस जमीन के बदले में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को 5 एकड़ भूमि कहीं और देने का फैसला दिया था, और अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है। दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक। जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू।
खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज।